नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। आज लगातार जो दो तीन दिनों से साथियों आप देख रहे होंगे कि न्यूज में एक ट्रेंड बना हुआ है, एक नाम बना हुआ है, मुख्तार अंसारी। जी हाँ, मुख्तार अंसारी लगातार जो अपराध के दुनिया से निकल करके आते हैं और राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी धमक के साथ जो है उनका दस्तक होता है और दशकों पुराना तमाम मुकदमे उनके ऊपर लादे गए हैं। वो सही है या गलत है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में मुख्तार अंसारी जी लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के राजनीतिक गलियारे में चर्चा में बने हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब से मुख्तार अंसारी जी को अब यूपी लाने की तैयारी की जा रही है। योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गली छाप कार्यकर्ता लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर कि अब तो मुख्तार अंसारी मारे जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन तमाम अंधभक्तों से, उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिहीन कार्यकर्ता हैं जिन्हें समाज और कानून का कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत का एक प्याला पिलाया गया है, नफरत का एक राजनीति सिखाया गया है, उनको मैं खुली तौर पर चुनौती देना चाहता हूं और साफ साफ मैं कहना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी कोई आम आदमी नहीं। मुख्तार अंसारी लगातार सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में बतौर MLA बतौर विधायक लगातार यहाँ बने रहे हैं और योगी बाबा को इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी के सरकार को खुली चुनौती मैं देता हूँ, इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी को जेल में चाहे बाहर या गाड़ी पलट के या कहीं से भी उनको मार दिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनाव को लेकर के एक बड़ा एजेंडा और एक बड़ा साजिश रचा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से हिंदू मुसलमान करने में कामयाब रहे और मुख्तार अंसारी के नाम का सहारा लेकर के वो फिर से एक बार सरकार बना ले। योगी बाबा जी, मेरे तरफ से खुली चुनौती आपको है, अगर वाकई आप जो है मुख्तार अपराधियों को खत्म करने का दावा रखते हैं तो आप मार दीजिएगा मुख्तार अंसारी को। और मारने की तो बात छोड़िए, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुख्तार अंसारी का एक रुआ भी नहीं उखाड़ सकते। आप मुख्तार अंसारी को एक गोली तो बात छोड़िए, एक सुई भी नहीं चुभा सकते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुख्तार अंसारी का समर्थक हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर आपके कलेजे में इतनी ताकत नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे फौज में इतनी ताकत नहीं है कि मुख्तार अंसारी को वो मार गिराए। ये पूरा का पूरा ड्रामा है और पूरे के पूरे ड्रामा में सिर्फ और सिर्फ लोग विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखा गया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि याद होना चाहिए सन 2009 का लोकसभा का चुनाव बनारस के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को, मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। पर्सनल रिकमेंड पर मुख्तार अंसारी जी की पत्नी यहाँ से कैंडिडेट हुई। मुख्तार अंसारी जी जेल में थे और उनकी पत्नी को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी और मुख्तार अंसारी का पुराना संबंध चोली और दामन का संबंध रहा है। मुख्तार अंसारी को कुछ नहीं होने वाला है, विकास दुबे नहीं है मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट करके उनको गोली मार दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी है। लेकिन मिश्रा जी, अतुल राय जी और अजय राय जी ये सोच रहे और कह भी रहे सरकार से कि उनको यूपी न लाया जाए, इससे क्या राय है? देखिए, अब अतुल राय जी का क्या अपना वो है, उनके साथ पूर्व भाई अभी सांसद हैं अतुल राय जी, मऊ से सांसद हैं, अब उनका क्या मुख्तार अंसारी जी से संबंध है ये मैं नहीं जानता हूँ, और मुख्तार अतुल राय जी क्यों उनको रोक रहे हैं यूपी आने से ये मैं नहीं जानता हूँ, विधायक अजय राय जी क्यों रोक रहे हैं ये भी मैं नहीं जानता हूँ, क्या मैटर है इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की औकात नापने का चुनौती दे रहा हूँ। आए हैं मुख्तार अंसारी, आ जाएंगे यहाँ बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश में, मार के दिखवा लीजिएगा योगी जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा एक ठोर वहाँ मुख्तार अंसारी का कोई उखाड़ लेगा तो कोई आके हमसे बात कर लेगा। मुख्तार अंसारी न मारे जाएंगे, मुख्तार अंसारी अपने उम्र को पूरा करेंगे और अपनी मौत से मरेंगे। मुख्तार अंसारी मारे नहीं जाएंगे, ये राजनीति का एक बड़ा ड्रामा है। योगी बाबा जो है खुद मुख्तार अंसारी से बहुत डरते हैं, और जो आदमी जो योगी बाबा जब डरते हैं, योगी बाबा इतने शानदार थे और अपराधियों पर नकेल कसने वाले बड़े नेता थे,
तो सन 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तब भी बहुत बड़े गुंडा और बहुत बड़े तगवाद बन गए। उसके पहले क्या बिलार बन करके इसी उत्तर प्रदेश में वो रहा करते थे और मुख्तार अंसारी के रहम करम पर वो जीते थे गोरखपुर के अंदर, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और इस तरीके का जो भ्रम का स्थिति है कि मुख्तार अंसारी, मैं भारतीय जनता पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता अपने माँ के छाती का असली दूध पिए होंगे तो मुख्तार अंसारी को एक सुई भी चुभो करके मारे, एक गोली भी मारे, मैं मान जाऊंगा। ये बताइए कि क्या इसको 2022 के चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है? निश्चित रूप से, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा सन 2022 के चुनाव का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि मुख्तार अंसारी को मुसलमान के चेहरा के रूप में लाया जाए, धमकाया जाए और उसके बाद उनको जेल में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उत्तर प्रदेश में लाने का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई दरकिनार करके योगी बाबा को इतनी हैसियत हो गई कि मुख्तार अंसारी को गोली चला देंगे? चूतिया बना हुआ है पूरा देश, हम लोग कानून नहीं जान रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी योगी जी कर देते हैं, योगी की पुलिस कर देती है, तो इसका यह मतलब है कि पूरा का पूरा टांडव और गुंडई चल रहा है, पूरा का पूरा टांडव और गुंडई चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में। ये मारेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं मारेंगे तो इनके 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 छठी का दूध जो है हम लोगों ने चुनौती दिया है। पूरा मिला जुला के ये है कि योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को खुली चुनौती है कि मुख्तार अंसारी को मार के दिखाएं। हम मान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक जुबान की है और अपने इरादे पर मजबूत है।